हेलो गाइस, आज हम आए हैं सदर बाज़ार। सदर बाज़ार में आज हम ट्राई करेंगे सेव पूड़ी और अपना बॉम्बे सैंडविच। ये देखो, ये सेव पूड़ी बन रही है, सेव पूड़ी, और आज हम दोनों ट्राई करेंगे सेव पूड़ी और बॉम्बे सैंडविच। ये अंकल की सबसे पुरानी दुकान है सदर बाज़ार में। सदर बाज़ार में अंकल जी को 25 साल हो गए हैं, 25 साल से अंकल जी सेवा दे रहे हैं अपनी। आइए अंकल से ही पूछते हैं। अंकल जी कितने साल से कर रहे हो? 25 साल हो गए। 25 साल से क्या क्या वैरायटी है अंकल जी आपके पास? सेव पूड़ी है, सैंडविच है, भेल पूड़ी है। सेव पूड़ी है, सैंडविच है और भेल पूड़ी है जी। तो आज क्या खिलाओगे आप हमें? तीनों आइटम खाओ, दो आइटम खाओ सेव पूड़ी। एक काम करो, हमारे लिए बढ़िया से तीनों बना दो, एक एक प्लेट तीनों बना दो। ये क्या बना रहे हो? ये सैंडविच है। ये सैंडविच है, बॉम्बे सैंडविच है जी। इसमें क्या क्या डाला है आपने? हरी चटनी, हरी चटनी, आलू, मक्खन, हाँ जी, खीरा, खीरा, टमाटर, प्याज, आलू, पनीर। ये देखो, ये अंकल का काउंटर है। ये अंकल पहले ब्राउन ब्रेड का नहीं बनाते थे, अब ब्राउन ब्रेड का बनाते हैं। ब्राउन ब्रेड काफ़ी अच्छी होती है। अंकल काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस है। अच्छा, पनीर भी लगाओगे अंकल? टमाटर भी और पनीर भी? वाह भाई वाह। ये हमारा सैंडविच तैयार हो गया है और ये हमारी सेव पूड़ी तैयार है। जब तक हमारा भेलपूड़ी रेडी हो रही है तब तक हम अपनी सेव पूड़ी ट्राई करते हैं। ये हमारी सेव पूड़ी है। मसाला कैसा होगा? नॉर्मल नॉर्मल। ये देखो, ये देखो, ये देखिए सेव पूड़ी। इसमें हरी चटनी भी है और शेजवान सॉस है, केचप है, तो हल्की फुल्की स्पाइसी भी है। अभी बस हम आप देखते हैं हमारी भेलपूड़ी की प्रिपरेशन कैसी है। ये हमारे अंकल जी का काउंटर है। ये अंकल जी हैं। ये देखिए सेव डाली है। ये कौन सी चटनी अंकल जी? ये खजूर की। अच्छा, खजूर की चटनी। वाह भाई वाह, इसको काफ़ी अच्छे तरीके मिक्स कर दिया है। ये चाट मसाला है, गरम मसाले इसको बना दें। ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारी भेलपूड़ी लग गई है। ये देखो, वाह भाई वाह, सेव से निखार आ जाता है। सेव एक्चुअली गुजराती, गुजरात में ज़्यादा खाई जाती है, गुजराती डिश होती है सेव। ये देखिए, ये हमारी रेडी हो चुकी है भेलपूड़ी। अब इनको ट्राई करते हैं कि कैसे है। ये देखिए गाइस, व्हाट इट इज़, देखने में इतनी अच्छी लग रही है, खाने में तो कितनी अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। ट्राई करके देखते हैं, बिल्कुल ट्राई करके देखते हैं। हल्की खटास है नींबू की, नींबू डाल रखा है और अपना मिंट सॉस डाल रखी है। ये हम भेलपूड़ी को इवनिंग स्नैक्स भी बोल सकते हैं। इवनिंग में खाना लोग पसंद करें, लाइट स्नैक्स हो गया, अपना इवनिंग स्नैक्स हो गया, तो काफ़ी खाया जाता है। अब हम खाएंगे बॉम्बे सैंडविच। बॉम्बे सैंडविच के दो ऑप्शंस हैं,
वाइट ब्रेड भी है और अपना ब्राउन ब्रेड भी है। हमने अपना ब्राउन ब्रेड के अंदर करवाया है और इसकी स्टफिंग तो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दी थी। अपना खीरा है, टमाटर है, प्याज है, पनीर है, सेव है और अपना आलू है। बॉम्बे सैंडविच के अंदर आलू होता है। तो हम इसकी एक बाइट लेते हैं। प्रॉपर टेस्ट है ये। मैंने थोड़ा अपने लिए तीखा बनवाया था, ऑप्शन ले जैसा आप बोलोगे वैसे ही बन जाएगा। कोई मीठा खाना पसंद होगा, कोई तीखा खाना पसंद होगा। तो आप क्या खाना पसंद करते हो, क्या खाना नहीं पसंद करते? हेलो, यहाँ पे आके आप ट्राई कर सकते हो। बॉम्बे सैंडविच ट्राई कर सकते हो, भेलपुरी ट्राई कर सकते हो, सेवपुरी ट्राई कर सकते हो। अंकल सदर बाजार मार्केट के अंदर खड़े होते हैं, मुल्तानी बिल्डिंग के पास, क्रॉकरी मार्केट के अंदर की लोकेशन है। आप आइए, ट्राई करिए, बहुत अच्छा है। ब्राउन ब्रेड के अंदर बॉम्बे सैंडविच 35 रुपये का है, वाइट ब्रेड के अंदर बॉम्बे सैंडविच 30 रुपये का है और सेव पूड़ी 25 की है और भेल पूड़ी 30 की है। इतने सस्ते दामों में इतनी सारी वैरायटी विद पनीर। और महंगाई के ज़माने में आज तो प्याज भी महंगा हो गया। अंकल ने तो दो दो प्याज लगा रखे हैं। आइए, ज़रूर ट्राई करिए अंकल के सैंडविच, भेल पूड़ी और